हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 5 मिनट में लड्डू, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया, यानी नारियल का बरूदा। वैसे नारियल का बरूदा बारीक है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और बारीक करूँगी। तो ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। ये दूसरा कप, यहाँ पर मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 1/2 कप मिल्क पाउडर, आप मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कप चीनी, 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब इसका ढक्कन लगा के इसको पीस लेते हैं। इसको यहाँ पे पीस लिया है और देखिए बिल्कुल मावे की तरह लगेगा जब हम इसको टच करेंगे। तो अब इसको बाउल में निकाल देते हैं, किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें दूध डालते हैं। यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है। दूध को उबाल के ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, गर्म दूध नहीं डालना है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल देते हैं और अब इसको चला दें। दूध एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा ही दूध करके डालना है। इसको यहाँ पे चला दिया है। इसमें 4 चम्मच के करीब फिर से दूध डाल देते हैं और इसको भी चला दें और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका डो बना लेंगे। इसका डो लगा लिया है और देखिए डो ज़्यादा गीला नहीं है। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा टाइट हो जाए। 5 मिनट के बाद फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 1 पार्ट को अलग रख देते हैं। अब 1 पार्ट में से 3 पार्ट बनाते हैं, इक्वल इक्वल साइज के 3 पार्ट बना देंगे। यहाँ पर मैंने इक्वल इक्वल साइज के 3 पार्ट बना दिए हैं। 1 पार्ट पे ग्रीन फूड कलर डालते हैं, कलर के लिए 1 से 2 बूंद डाल देंगे। 1 पार्ट पे ऑरेंज कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर 2 से 3 बूंद, और 1 पार्ट पे डालते हैं येलो फूड कलर 1 से 2 बूंद, और इन सबको मिला देते हैं। यहाँ पे ज्यादा कलर नहीं डालना है, लाइट कलर रखेंगे इसका, लाइट कलर अच्छा लगता है। ग्रीन वाले पार्ट को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और रेड वाले पार्ट को भी मिक्स कर देते हैं। सभी में फूड कलर मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने कलर वाले पोर्शन की भी 5-5 छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं और व्हाइट वाले पोर्शन की भी मैंने 5 बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 ग्रीन बॉल लिए, 1 येलो बॉल लिए, 1 व्हाइट वाली बॉल लिए। अब इनको आपस में मिला देते हैं तीनों को, इन्हें दबा देते हैं। फिर दबा दिया है और हाथ में उठा के इन्हें गोल कर देते हैं। इसको भी यहाँ पे कर दिया गोल और देखिए 3 कलर का यहाँ पे लड्डू बन के हो गए तैयार। और देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी लग रहा है। इस तरह से बनाओगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसको रख देते हैं और अब दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे लेंगे ऑरेंज बॉल, 1 येलो बॉल, 1 व्हाइट वाली बॉल और तीनों को मिला देते हैं, इन्हें दबा देते हैं। दबाने के बाद इसे हाथ से उठा के इसे गोल कर देते हैं। ये बहुत आराम से बन जाते हैं, इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती और ना ही गैस जलाने की जरूरत होती। बस वीडियो को देखिए और मजेदार सी मिठाई को बनाइए। इसको भी यहाँ पे गोल कर दिया और देखिए ये भी कितना ज्यादा मजेदार और टेस्टी लग रहा है, ये देखिए। और इसी तरह हम सभी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी लड्डू को बना के तैयार कर लिया और देखिए लड्डू कितने ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसके कलर कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने हर तरीके के कलर मिक्स करके बनाए हैं, ये देखिए। अब लेते हैं किसी प्लेट में कोकोनट पाउडर यानी गोले का बरूदा, बॉल को इसमें डालेंगे यानी लड्डू को, और इनको कोट कर देते हैं। इस तरह से घुमाते हुए इसे कोट कर देंगे, इससे मिठाई और ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार लगती है, दिखने में भी यूनिक सी लगती है। इसको यहाँ पे कोट कर दें, ये देखिए। और अब इसको प्लेट में रखते हैं। अब दूसरी बॉल को डालेंगे, इसे चारों तरफ से कोट करेंगे और इसी तरह सारी मिठाई को कोट करके तैयार कर लेते हैं, ये देखिए। सारे लड्डू को डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लिया है और देखिए लड्डू कितने ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। और ये लड्डू बहुत ज़्यादा यूनिक भी हैं और देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार लग रहे हैं। ये 3 कलर के लड्डू हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगते हैं। और देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इन लड्डू को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही गैस जलाने की जरूरत है। आप इन लड्डू को इंस्टेंट बना सकते हैं, केवल इन लड्डू को 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।